श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी पर शहर भर के शिव मंदिरों में भगवान भोले को रिझाने के लिए सहस्त्रधारा और रुद्राभिषेक के आयोजन किए गए। इस मौके पर सभी शिवालय हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान होते रहे। अंदरकोट स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के आखिरी सोमवार को अनेक शिव भक्तों द्वारा सहस्त्रधारा कराई गई। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाकर पंडितों के आचार्यत्व में रुद्र पाठ कराया गया। सैकड़ों शिव भक्तों ने भगवान शिव की प्रतिमा पर पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक किया। शाम को भगवान शंकर की नैनाभिराम झांकी सजाकर महाआरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड स्थित योगीराज सोमनाथ जी की बगीचे में भी मंगलवार को पुष्कर से पवित्र जल भरकर लाए कांवड़ियों ने भगवान शिव का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक किया। योगी शंभुनाथ के सान्निध्य में तुलसी सोनी सहित अनेक भक्तों ने भगवान शिव को जलधारा से नहलाया और मनोकामनाएं मांगी। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी पर शहर भर के शिव मंदिरों में भगवान भोले को रिझाने के लिए सहस्त्रधारा और रुद्राभिषेक के आयोजन किए गए। इस मौके पर सभी शिवालय श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी पर शहर भर के शिव मंदिरों में भगवान भोले को रिझाने के लिए सहस्त्रधारा और रुद्राभिषेक के आयोजन किए गए। इस मौके पर सभी शिवालय हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान होते रहे। अंदरकोट स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के आखिरी सोमवार को अनेक शिव भक्तों द्वारा सहस्त्रधारा कराई गई। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाकर पंडितों के आचार्यत्व में रुद्र पाठ कराया गया। सैकड़ों शिव भक्तों ने भगवान शिव की प्रतिमा पर पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक किया। शाम को भगवान शंकर की नैनाभिराम झांकी सजाकर महाआरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। सावन के आखिरी सोमवार को धार्मिक नगरी पुष्कर भी पूरी तरह से शिव भक्ति में रंगी नजर आई। भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन श्रद्धालु अपने अपने तरीकों से पूजा अर्चना करने में लीन थे। स्थानीय प्रेम प्रकाश आश्रम ग्वालियर घाट और कोटा घाट स्थित महादेव मंदिरों में दिनभर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्रधाराओं के आयोजन हुए। खंडेलवाल लेडीज क्लब द्वारा मंगलवार को श्रीनगर रोड स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में मिनी मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समाज के भवरी देवी भुकमारिया ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। क्लब की अध्यक्षा संध्या खंडेलवाल ने
भुखमरिया का स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। क्लब के सदस्यों ने मिनी मेले में जमकर खरीदारी की और कई तरह के खेलों के साथ गोलगप्पे, पाव भाजी, छोले कुलचे सहित अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठाया। आखिर में मेले के सफल आयोजन के लिए सचिव सीमा तमोलिया ने सभी का आभार जताया। हमारा सावन माह के उपलक्ष्य में हमने पिछली बार भी एग्जीबिशन कम सेल रखी थी और इस बार भी हमारा खंडेलवाल लेडीज क्लब है जिसमें हाईएस्ट 110 मेंबर्स हैं और हमने सबने मिलकर एग्जीबिशन की तैयारी करी है और कम से कम नहीं तो 25 से 30 स्टॉले लगाई गई है। उसमें विभिन्न प्रकार की खाने पीने की, गेम्स की और कुर्तीज की, बेडशीट वगैरह, क्रॉकरी चूड़े वगैरह और स्पेशल इंदौर से भी ज्वेलरी लेकर आई हैं, जयपुर से भी बुटीक आई हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेंट लेने के लिए। धोलाभाटा संत लीलाशाह कॉलोनी स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में सोमवार शाम चालियो उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के सेवाधारी नंदलाल धनवानी ने बताया कि अल सुबह भगवान झूलेलाल का पंचामृत से स्नान कराया, उसके बाद फूलों से श्रृंगार किया। शाम को बहराणा साहब की जोत प्रज्वलित कर स्वामी अशोक गाफिल, अमर उदासी, खूबचंद झामनानी, दयाल भगत, प्रकाश उदासीन ने सिंधी भजन और पंजड़े सुनाए, जिस पर महिलाओं ने डांडिया और छेज नृत्य करते हुए भगवान झूलेलाल की आराधना की। आखिर में महाआरती और पल्लव के साथ प्रसाद वितरण किया गया। महोत्सव का समापन 24 अगस्त को लवकुश गार्डन में होगा। राधिका सेवा संस्थान के तत्वावधान में आगरा गेट पट्टीगटला स्थित नवीन लक्ष्मीकांत मंदिर में चल रही श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में व्यासपीठ पर विराजित श्रद्धेय संत अकिंचन महाराज ने मंगलवार को शिव कराकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर माखन चोरी लीला और छप्पन भोग की झांकी सजाई गई। अकिंचन महाराज ने बाल लीला का श्रवण कराते हुए कहा कि गृहस्थ आश्रम एक गाड़ी है, पति पत्नी इस गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि इस गाड़ी के ऊपर दूध दही अर्थात विषय भोग रखोगे और श्री कृष्ण को गाड़ी के नीचे अर्थात प्रभु को जीवन में गौण कर दोगे तो गाड़ी पलट जाएगी। कथा आयोजक गजेंद्र गर्ग ने बताया कि बुधवार को रासलीला, कंसुद्धार, उद्वागमन और रुक्मिणी विवाह की कथा के साथ महाराज का आयोजन होगा। करने के लेकर के आए थे, थोड़ी सी चुपके से मन डाल दी। जैसे कुंती का पांव उस मिट्टी पर पड़ा, कुंती कहेंगे युधिष्ठिर तुम अभी अभी विवाह की बात कर रहे थे ना, जाओ तुम किसी पुरुष को ले आओ, मुझे विवाह करना है। महाराज निश्चित कहते मां आप अभी भी तो कह रहे थे कि मुझे प्रायश्चित करना है, अनुशम करना है, बोले नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो विवाह करना। महाराज विष्णु को स्थान फिर छोड़ दिया और तो वापस उसी स्थान पर आए जहां से वो मिट्टी लेकर के गए थे। पास यहाँ राधा रानी को सब तीरथ को बस होवे यहाँ सब तीरथ को बस।